दिल्ली में 250 निगम सीटों वाले सदन में मेयर का चुनाव एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। अभी तक 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक बार बार हंगामे, विरोध प्रदर्शन और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की वजह से अपना मेयर नहीं चुन पा रही है। बातचीत करेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव नासियर जी हैं। जानेंगे इनसे कि आखिर ग्लीफ क्या है। कानून के जानकार होने के साथ साथ एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी हैं। संजीव जी स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के समूह में। जी संजीव जी, 4 तारीख को चुनाव हुए, 4 दिसंबर को, 7 को रिजल्ट आया और 6 जनवरी को पहली बैठक हुई। पहली बैठक में जो कुछ हुआ उसके बाद सबक लिया गया कि 24 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा। 24 जनवरी की बैठक भी आप जानते हैं कैसे हवा हवाई रही, और कल जो कुछ हुआ उसके बाद आज दिल्ली में आपकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरी दिल्ली देख रही है आप दोनों पार्टियों को। जी देखिए मुकेश जी, दिल्ली के अंदर मार्च 2022 में चुनाव ड्यूट था एमसीडी का। जिस तरीके से हमने सबने देखा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस दिन डेट्स अनाउंस करने के लिए चुनाव की 5 बजे का टाइम तय था, 4:30 बजे एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी थी चुनाव अनाउंस करने की, और अनाउंसमेंट ये आई कि दिल्ली की यूनिफिकेशन के नाम पे अभी चुनाव टाल दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आज लोकतंत्र और प्रजातंत्र में दिल्ली में इनको बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, 2013 में ये लोग हारे विधानसभा, उसके बाद 15 में हारे, 2020 में हारे, उसके बावजूद इनके सारे इंटरनल सर्वे ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी में 15 साल से सत्ताधीन है लेकिन अब रिपीट नहीं करेगी। तो इन लोगों ने उसी दिन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत 250 वार्ड बनाए, जो 272 होते थे पहले, यूनिफिकेशन करके इन्होंने एक दोबारा एमसीडी बनाई, और उस एक्ट को, जिस एक्ट को इन्होंने थोड़ा सा अमेंडमेंट करके लेके आए यूनिफिकेशन के नाम पे, उसके में कहीं कोई प्रावधान नहीं है नॉमिनेटेड काउंसिलर, जिसको एल्डरमैन बोलते हैं, उनको वोटिंग राइट का, मेयर और डिप्टी मेयर में। सबसे पहले इन लोगों ने चुनाव नहीं होने दिया, उसके बाद 8-9 महीने बाद चुनाव की डेट आई, 2 बड़े स्टेट्स के चुनाव चल रहे थे उसके बीच में इन्होंने चुनाव करवाया। चुनाव के दौरान अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इनका पूरा प्रचार और दुष्प्रचार आम आदमी पार्टी के खिलाफ, करप्शन, टिकट बेच दिया, मतलब दिल्ली की जनता के मुद्दों पे इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। उस दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट आम आदमी पार्टी को दे दिया, ठीक है। 134 पार्षद हमारे जीत कराने के बाद इन लोगों ने सेकंड राउंड में एक कॉन्स्पिरेसी रची कि अब दिल्ली का मेयर हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। संजीव जी, आपके पास बम्पर सीटें हैं, आपके पास राज्यसभा के सांसद भी हैं, 3 विधायक भी आपके पास है, आपके पास तो जितनी सीट होनी चाहिए चुनाव के लिए उससे ज्यादा आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं जी, तो जी। क्यों आप लोग, मतलब हंगामा हो रहा है, आप लोग मतलब वोटिंग केस क्यों नहीं कर रहे, आपसे बीजेपी आरोप लगा रही है। नहीं मुकेश जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, आपने मीडिया के माध्यम से तीनों हाउसेज की मीटिंग देखी। जी पहले हाउस की मीटिंग में चलो हम मान सकते हैं कि भी दोनों तरफ से आपको लगा कि गर्मा गर्मी थी, लेकिन वो डिमांड जो हमने पहले हाउस में रखी थी कि पीठासीन अधिकारी की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई है, हमेशा परंपरा रही है सीनियर मोस्ट जो हाउस का मेंबर होता है उसको पीठासीन अधिकारी बनाते हैं, उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया, ठीक है। एल्डरमैन की नियुक्ति जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नाम स्पॉन्सर्ड करती है, वो पहले भाजपा की सरकार थी तो भाजपा ने नाम भेजे थे, फिर कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, उन्होंने भेजे थे, पिछली टेन्योर में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने भेजे थे, पहली बार उनको सबको सुपरसीड करते हुए 10 एल्डरमैन बनाए, 10 एल्डरमैन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जोन में वोटों की जरूरत थी उन्होंने 3 जोन से 10 अल्टरमैन बना दिए, ठीक है। और इनकी कॉन्फ्रेंसी उस टाइम पे भी सामने आई, आपको ध्यान होगा कि 2 बार नोटिफिकेशन आया था, पहली बार 10 नाम जो आए थे वो उनमें से 2 लोगों को चेंज कर दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमारा सीधा सीधा आरोप पहले वाले हाउस में भी ये था कि दिल्ली की जनता ने 250 पार्षद बना दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 250 पार्षदों से अपील की थी कि हम दोनों 250 पार्षदों के साथ दिल्ली सरकार मिलके और दिल्ली की साफ सफाई, कूड़ा और जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं, भ्रष्टाचार है, इन सब पे काम करेंगे और सबका सहयोग मांगा था। हम लोग सबको साथ लेके काम करने में विश्वास रखते हैं, दिल्ली की जनता की जो रोजमर्रा समस्याएं है उसके लिए हम काम करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने पहले कहा कि नहीं, पीठासीन अधिकारी जिसको हम चाहेंगे वो बनेगी,
पीठासीन अधिकारी ने मीटिंग ली। सेकेंड हाउस में आपने देखा होगा हमारे 151 पार्षद सांसद और विधायक रात को 8-8:30 बजे तक बैठे रहे। तो हम लोग क्योंकि हाउस चलाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, डायरेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑफिशियल्स को डायरेक्शन मिल रही है उसी तरीके से वो हाउस को आगे रन कर रहे हैं। और कल जो हुआ, कल तो इंतहा हो गई। आपको ध्यान होगा इनके 4-4 सांसद हाउस में ही नहीं आए थे, क्योंकि इनको सुबह से पता था कि आज हमने फिर इस हाउस को ज्वाइन करना है, हमने मेयर दिल्ली को नहीं बनने देना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं। संजय जी, दिल्ली के अंदर संजीव जी, सवाल तो वही है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट से ज्यादा लोग हैं, आप लोग मेयर अपना चुन सकते हैं, फिर भी हंगामा हो रहा है, आप लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि अभी हाल फिलहाल में कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा? क्योंकि कल जिस तरह से आपके दो विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया से दूर रखा गया और ये कहा गया कि उन पर क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसिंग का मामला चल रहा है, तो ऐसे में क्या आप लोग भी इस पूरे मामले को लेकर अभी बिल्कुल कोर्ट में जिस तरह से चले गए हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि इसे तो मामला और डिले होगा? नहीं नहीं मुकेश जी, एक्चुअली क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा ना। आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एलजी ऑफिस में जमी हुई है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो इस ऑफिस को संभाल रहे हैं, इनके प्रवक्ताओं ने डिबेट में एडमिट किया है कि यस हमने अपने कार्यकर्ता, अदरवाइज ये बताइए इलेक्टेड गवर्नमेंट तो अपने नाम भेजेगी तो वो राजनीतिक पार्टी है, जीत कर आई है तो वो अपने नाम भेज सकती है, लेकिन क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए नाम रिकमेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, उन्होंने भी तर्क दिया है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि हारी है और 15 साल का जो भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने आने वाला है, ये उसको रोकने के लिए बाई दिस वे दैट वे दिल्ली की जनता के मैंडेट का अपमान करते हुए दिल्ली की जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। संजीव जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप लोगों को लगता है कि आपके कुछ जो वोट हैं वो खिसक सकते हैं? आप एल्डरमैन की बात कह के आप शायद मुद्दे को भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बार बार बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आपकी तरफ के कुछ जो जीते हुए लोग हैं वो शायद बीजेपी को सपोर्ट करें, इसलिए बार बार आपके यहाँ परेड कराई जाती है, दिखाया जाता है कि हम पे इतने नंबर ऑफ वोट हैं। कल तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्टेटमेंट दी है कि भी हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को तोड़ रहे हैं। जी, आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद कोई विधायक, हमारा एक एक वोट बिल्कुल कंसोलिडेट है, और हमारा क्योंकि एक ऐसी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं जो आंदोलन से निकल कर आई है, और जनता ने हमारे को आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया है और जो गारंटी दी है उन पे हम लोग करेंगे। हमारे 151 वोट बिल्कुल इंटैक्ट हैं, हमारा ही मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। इस न्याय के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गए हैं, हमारे को पूरा भरोसा है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बहुत जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से मेयर मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी दिल्ली देख रही है निगम में जो कुछ हो रहा है, और उम्मीद यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली को दिल्ली का महापौर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी बातचीत करने के लिए। नवोदय टाइम्स पंजाब के जी, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम।